सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काफ़ी सीक्रेट बुक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ही कम लोग इन चीज़ों का नॉलेज देते हैं एक दूसरे को कि ये बुक्स ले ले, वो बुक्स ले। आपको पता है हर एक जगह कंपटीशन चलता है, राइट? नो बट हेलो एवरीवन, दिस इज बोनस। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स जो कि हर एक एंगल से, मतलब स्टार्टिंग बेसिक से लेके हाई प्रोफेशनल तक का। जैसे कि कोई होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई लास्ट सेमेस्टर में है, और कोई है जो ऑलरेडी होटल्स में है, और कुछ लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है उन्हें, तो उनको भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस के हिसाब से मैं यहाँ पे बुक शेयर करूंगा जैसे कि आपको हेल्प हो हर एक चीज़ समझने में, राइट? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बेटर होगा। सो हर एक लेवल का बुक यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो जो लोग हैं जो पूछ रहे थे बार बार कि शेफ कौन सा बुक बेटर होगा, कौन सा बुक ऐसा है जो सब चीज़ पता होगा, हर एक बुक में हर एक चीज़ नहीं दिया रहता है, राइट? सो कुछ कुछ बुक्स हैं जो आपको यहाँ पे बेसिक समझाएगा, तो कुछ चीज़ें हाई प्रोफेशनल समझाएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज़ कि आप बुक खरीदने से पहले हमेशा देखिएगा कि वो आपका लेवल का है कि नहीं। आपका लेवल का मतलब जहां तक आप पढ़ चुके हो उससे थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, पूरा ऊपर कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत जाएगा। क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप हाई लेवल जाओगे तो परेशान हो जाओगे और बोलोगे यार कितने सारे चीजें हैं पढ़ने के लिए। वैसे बताऊं तो एक चीज, रियली बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, इतने सारे हैं कि आप काम करते जाओ, आप 40 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, फिर भी आपको लगेगा कि यार फिर भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है। हर एक दिन हर एक चीज, नया नया चीजें आ रहे हैं, और एक क्यूजिन को लेके भी पढ़ना भी बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक क्यूजिन का ही जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब हर एक क्यूजिन को एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझे हम, राइट? इस वीडियो को आप एंड तक का देखिएगा, जहां पे मैं हर एक बुक आपको मतलब दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, और ओपन करके जो हार्ड कॉपी है मेरे पास वो आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, और जो पीडीएफ मेरे पास रखा हुआ उसका मैं फ्रंट कवर दिखा दूंगा आपको, जैसे कि आपको याद रहे कि हाँ ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है और मैं फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को, राइट? सो वो हर एक चीज़ को जो मैं फॉलो करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, बेकिंग, कलिनरी, कन्फेक्शनरी, बॉनबॉन मीन्स चॉकलेट, हर एक चीज़ का मैं आपको दिखाऊंगा। सो हर एक चीज़ दिखाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली हार्ड कॉपी में पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं बेसिक्स को हार्ड कॉपी में रखता हूँ और प्रोफेशनल को मैं पीडीएफ में रखता हूँ, ठीक है? सो इन चीज़ों को मैंने खरीदा हुआ है, और मैं ये बोलूंगा कि आप हर एक चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिलेगा गूगल में, बस बुक का नाम डालिए वहाँ पे गूगल पे, और वहाँ पे बुक का नाम लिखने के बाद पीडीएफ लिख दो वहाँ पे, ठीक है? पीडीएफ डाउनलोड, ऑटोमेटिक कुछ बुक्स हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है? कुछ ऐसे जगह हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे। सो पहले सर्च कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली हार्ड कॉपी खरीद लें, वेस्ट ऑफ मनी, राइट? सो जो चीज़ें हमें फ्री में मिल सकता है तो हम उसे खरीदे क्यों? और एक चीज़ बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि एक और वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा प्लेटिंग हो गया और गार्निश हो गया, मतलब किस वे में हम करें, और जो होटल मैनेजमेंट कर रहा है लाइक सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, वो किस वे में प्लेटिंग स्टार्ट करें। अब हमको प्रोफेशनल वे में सीखना है, राइट? वो जो वीडियो है मैं इसके बाद में अपलोड करूंगा, मीन्स नेक्स्ट वीक, मे बी उसके नेक्स्ट वीक, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना। उसमें मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है? बहुत हेल्प होगा आपको समझने में, और उसके बाद आपका जो प्लेटिंग है लिटरली हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, और हमेशा आप अपडेटेड प्लेटिंग ही करोगे। प्लेटिंग कैसे करें, ठीक है, डेकोरेशन कैसे करें, ट्रेंड के हिसाब से कैसे चलें, और शेफ्स को, बड़े बड़े शेफ्स को फॉलो कैसे करें, और वो कुकिंग कैसे सीखें हम, ठीक है, टेक्निक्स कैसे सीखें। और क्योंकि ये जो जितने भी प्लेटिंग्स था जो आज के टाइम में हम लोग कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली कोई भी एक होटेलियर को बोल दो बुला के प्लेटिंग करने, सॉस डालेगा, स्प्रेड कर देगा, डब 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 डब, एडिंग सम लीव्स, सम माइक्रोग्रीन्स एंड डन। नहीं, अब हम सीखेंगे स्टाइलिश वाला, मीन्स प्रोफेशनल शेफ्स जैसे करते हैं ना वैसे सीखना हमें, राइट? कैसे सीखना है, वो जो वे है ना वो मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? आई होप कि वो आपको बहुत काम आएगा आगे जाके, राइट? सो आपका जो पुराने टेक्निक्स हैं वो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भूल जाओगे, और नया नया इतना फ्रेश प्लेटिंग आप सीखना चालू करोगे कि आप खुद बोलोगे कि यार हाँ मेरे में कोई चेंजेस आया हुआ है, और मेरा जो प्लेटिंग है वो अब काफी डिफरेंट है। सो उससे पहले पहले हम बुक्स देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बुक को मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो तो फर्स्ट बुक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है ये द फ्लेवर ऑफ ट्रेशर। क्योंकि जैसे कि आप नॉर्मली कहीं पे गए खाने के लिए, राइट, और आपको कुछ फ्लेवर अच्छा लगा और आपको लगता है कि शायद ये फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा, तो वो जो चीज़ें हैं वो इस बुक ने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फ्लेवर के अलग अलग पूरा बताया हुआ है, ठीक है? जैसे कि अदी, मिट्टी, कौन कौन सा फ्लेवर है और किस किस के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिवर के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिवर विद बीफ, लिवर विद बीट रूट, लिवर विद ब्लैक पुडिंग, लिवर विद चिली, हर एक चीज मीन्स लिवर विद फिग, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि वाओ ऐसा फ्लेवर हो भी सकता है, मीन्स ऐसा फ्लेवर कॉम्बिनेशन बन भी सकता है, वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है इस बुक में, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ को इसने मतलब फ्लेवर को पहचान के उसको कैसे पेयरअप करें उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, राइट, लाइक हाउ टू पेयर द फ्लेवर और किसके साथ कौन सा फ्लेवर अच्छा जाएगा, ठीक है। सो ऐसा है कि हम हर एक चीज़ों को खरीद के चख तो नहीं सकते हैं, राइट, मार्केट में, तो इसलिए ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में। और हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा कि ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिशन के लिए जाएँ, यदि वो फ्रेंच हो या इटालियन हो, कुछ भी हो, आप कोई भी चीज़ लग रहा है कि ये चीज़ मुझे यूज़ करना है, या फिर आपको कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला हुआ है कि मुझे चीज़ से ही काम करना है, दो दिन पहले बता दिया गया है, इस बुक को फॉलो कीजिएगा, उस चीज़ के बारे में समझिएगा और उसके साथ कौन कौन सा चीज़ें जा सकता है, मीन्स पेयरअप हो सकता है, आप इस बुक से देख के आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपका एक बोनस बुक बोल सकता हूँ, जैसे कि आपको हर एक चीज़ समझाएगा फ्लेवर को लेके, तो इसे मत भूलिएगा, इस पे इन्वेस्ट कीजिएगा, ये वर्थ है, ठीक है। और ज़्यादा प्राइस नहीं है, 400-500 में आ जाता है ये बुक, तो ये बुक आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है, ये बुक आपको बहुत काम आने वाला है कॉम्पिटिशन्स के लिए और फ्लेवर प्रोफाइल को समझने के लिए, ठीक है। सो ये था पहला बुक, लेट्स फिगर आउट द नेक्स्ट। नेक्स्ट बुक जो है ये है ऑक्सफर्ड का, ठीक है, परविंदर एस बाली का, जो कि बहुत ही बेसिक बुक है ये, और ये जो बुक है वो आपको हर एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, लाइब्रेरी में आपको मिल ही जाएगा ये चीज़ें, तो आप खरीदना मत इस बुक को, मैं बोलूँगा। ये तो मैंने इशू कर लिया था लाइब्रेरी से, फिर मुझे ये बुक मिला नहीं, उसके बाद फिर मैंने इस बुक को खरीद लिया लाइब्रेरी से, ठीक है। कुछ कुछ बुक ऐसे होते हैं कि आपको मिलता नहीं है मार्केट में, तो मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी से ही खरीद लेता हूँ कि हाँ ये बुक मुझे चाहिए, कितना प्राइस बताओगे बोल दो, मैं आपको पे कर दूंगा, तो उसी वे में मैंने इसको खरीद लिया था, राइट। सो यहाँ पे जो है ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा, जो भी आप होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे, जो भी नोट्स वगैरह आप बनाते हो ना, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ बताया हुआ है, बेकिंग और कलिनरी, देखो कलिनरी मीन्स आपका होता है हॉट किचन, ठीक है, और बेकरी मीन्स कम्प्लीटली बेकरी, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट्स, ऑल वो सब चीज़ें इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें दोनों दिया हुआ है और काफ़ी बेसिक आपका रेडी कर सकता है इस बुक से, तो आप यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, मीन्स आपका छोटे मोटे जो बेसिक्स होते हैं, जो कन्फ्यूजन होता है, ये आपको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा कि आप कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बना लीजिए, खरीदो मत, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय यू कैन बाय, टोटल डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ पे खर्चा करना चाहते हैं, किस पे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स दिखाने वाला हूँ जिस पे कि आपको लिटरली स्पेंड करना चाहिए, मैं बताऊँगा उन चीज़ों को, राइट। सो ये है सेकेंड एडिशन, इसका फर्स्ट एडिशन भी है, आप सेकेंड एडिशन ले सकते हैं, फर्स्ट एडिशन ले सकते हैं, जो पसंद है आप ले सकते हैं, ठीक है। दोनों बुक में काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग से बताया हुआ है चीज़ों को, आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ईजिली, बेकिंग और कलिनरी दोनों हैं इसमें, क्लियर। बेसिक्स, ऑल बेसिक्स, नॉट टॉप प्रोफेशनल, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट बुक है ये ऑक्सफर्ड का, अगेन परविंदर, कैन सी परविंदर एस बाली का, थ्योरी ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्रीज। इस बुक को मैंने लिया हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसिक्स देखना था बेकिंग कन्फेक्शनरी का, जो भी बेकिंग ले रहे हैं ना, मतलब एज अ प्रोफेशनली वो बेकर बनना चाहते हैं या फिर पेस्ट्रीज करना चाहते हैं, ये बुक उनको हेल्प करेगा थोड़ा सा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इससे पहले जो बुक दिखाया था वो भी परविंदर एस बाली का ही था, वो फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन का था, वो बुक आपका कलिनरी और बेकिंग का दोनों मिक्स है, लेकिन तो ये है वो कॉन्सेंट्रेट काइंड ऑफ अ बुक, यू नो कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्योर मिलेगा सिर्फ बेकिंग को लेके, यहाँ पे कोई कलिनरी बीच में नहीं आने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा आपको बताएगा कौन कौन सा चीज़ें हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट को हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताएगा। सो जो भी चाहते हैं कि बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं आप बेकिंग कन्फेक्शनरी को लेके या फिर बेकिंग और पेस्ट्रीज को लेके, मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीद लीजिए। और एक चीज़ बोलूँगा मैं यहाँ पे कि इसको आप पढ़ लेना पूरा अच्छी तरह से, जो भी चाहते हैं कि अभी स्विच करना है मुझे कलिनरी से बेकिंग में आना है और वो जानना चाहते हैं कि कौन सा बुक मैं प्रिफर करूँ, तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग आप इसको करो, फिर उसके ऊपर में जो प्रोफेशनल बुक्स हैं उसके बाद आप उस चीज़ को खरीदो जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। बाय दिस बुक, ठीक है, वर्थ है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट। ये है किचन मैथ्स, ठीक है, अमित वोरा जी का है, ये जो शेफ़ हैं इनके अंडर मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये उन्हीं का बुक मैं प्रिफर करता हूँ, अमित वोरा शेफ़ के अंडर में ही मैंने पढ़ा हुआ है किचन मैथ्स, ठीक है। और यदि आप कुछ ओपन करना चाहते हैं, जैसे शॉप वगैरह ओपन करना चाहते हैं,
या फिर कुछ चीज़ें आपको समझना है, कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशंस वगैरह, जैसे पोर्शन कंट्रोल, ईल्ड, ठीक है, बेवरेजेस कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है, लाइक फूड कॉस्ट, मेन्यू इंजीनियरिंग, कॉस्ट, वॉल्यूम, रिलेशन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, हर एक चीज़। जैसे कि आप एक शॉप ओपन करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट, कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए और कौन सा कैसे क्या रखना चाहिए, सेलिंग के फोकस को लेके ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये शेफ़ के अंडर में पढ़ा हूँ मैं, और थैंक यू टू अमित वोरा शेफ़ टू हेल्प मी टू लर्न दिस किचन मैथ्स। और यदि आपको जानना है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, दिस इज़ लाइक सिंपल वर्ड में है और आप समझ सकते हैं ईजिली। जैसे तो नेक्स्ट नेक्स्ट बुक जो है फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए, देखो ऐसा है कि हेल्प करना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो मैंने जो, यदि आपको लग रहा होगा कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज में जा रहे हैं, मीन सर्विस में जा रहे हैं, उनको ये बुक सजेस्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था उस टाइम में, बॉबी जॉस सर जो थे वो मेरे फैकल्टी थे कॉलेज के, और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, राइट, F&B सर्विस, एंड आई गेट ऑलवेज गुड मार्क्स, कैन सी, उन्होंने मेरा नाम लिख के मुझको ये बुक दिया हुआ था, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस बुक फ्रॉम हिम, एंड दिस इज़ फॉर द फूड एंड बेवरेजेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज़ें बताया हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ें कवर किया हुआ है, जैसे मेन्यू प्लानिंग हो गया, राइट, आपका कोई भी फ्रेंड जो भी फूड एंड सर्विसेज में है उसके लिए ये काफ़ी काम आएगा, सो उसे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, राइट, ऑल अबाउट फूड बेवरेजेस एंड सर्विसेस मैनेजमेंट, क्लियर। द नेक्स्ट नेक्स्ट बुक जो है वो मेरा फेवरेट बुक है, ये है द कुक्स बुक रेसिपी एंड स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स फ्रॉम टॉप शेफ्स। ये बुक आपको बहुत कुछ सिखा देगा, लिटरली बता रहा हूँ मैं, और मैं बताऊँगा कि आप ये बुक खरीद लेना, ये आपको काफ़ी काम आएगा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लाइक काफ़ी सीक्रेट बुक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ही कम लोग इन चीज़ों का नॉलेज देते हैं एक दूसरे को, कि ये बुक्स ले ले, वो बुक्स ले ले, आपको पता है हर एक जगह कंपटीशन चलता है, राइट, कि वो कौन सा बुक को प्रिफर करके वो अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इस बुक में आपको हर एक सॉस के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, राइट, कैन सी हियर मस्टर्ड सॉस, हर एक चीज़, मतलब आप यदि मास्टर बनना चाहते हैं फ्रेंच क्यूजीन को लेके, राइट, दिस विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच डिशेस को लेके काम किया हुआ है। दिस विल रियली गोना हेल्प यू अ लॉट, किस वे में हमें यूज़ करना है, किस वे में हमें बनाना है हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ का मतलब टेक्निक से लेके हर एक चीज़ इसमें बताया हुआ है, कि किस वे में हम फिश को यूज़ करें, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का स्टेप्स बताया हुआ है, कि किस वे में हम कटिंग करें, और इसमें हर एक चीज़ का टेक्निक दिया हुआ है, कि मतलब बहुत सारे फिश के बारे में दिया हुआ है, मीन्स कौन सा रॉ खाते हैं, कौन सा हम कुक करके खाते हैं, और किस वे में क्लीनिंग करते हैं, राइट, फिश हुआ, मीट हुआ, सेलफिश हुआ, ठीक है, क्रैब्स हुआ, और हर एक चीज़ का कुकिंग मेथड्स भी दिया हुआ है, टेक्निक प्लस कुकिंग मेथड्स प्लस रेसिपीज, ठीक है, हर एक चीज़ दिया हुआ है, आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगा, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि ये बुक आप खरीद ही लेना, क्योंकि ये बुक मतलब आप जब खरीदोगे ना ये बुक, आप मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दोगे, क्योंकि जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना, और जब ये बुक को आप देखोगे, मतलब जब आपको ये हार्ड कॉपी मिलेगा ये बुक, और आप ओपन करके पढ़ोगे ना, आप लिटरली बता रहा हूँ आप मुझे ब्लेसिंग्स दोगे, क्योंकि ये बुक मतलब अभी जो भी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैं अभी बोलूँगा कि यदि स्टार्टिंग से यदि आप इस बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आपका होटल मैनेजमेंट ख़त्म होते हुए हर एक चीज़ पे आप काम कर चुके होगे, और हर एक चीज़ का डीप अंडरस्टैंडिंग कर चुके होगे। सी, हर एक चीज़ का स्टेप, विनेग्रेट, कॉलीफ्लावर, बीट रूट, यूजिंग कैरट्स, उसका शेप, उसका डिज़ाइन, हर एक चीज़ अलग अलग वे में बताया हुआ है यहाँ पे, मतलब हर एक अलग अलग सेक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, देन इफ़ यू सी सम डिफरेंट, यू कैन सी हियर ग्रेन्स एंड पल्सेस, हर एक का एक अलग अलग सेक्शंस दिया हुआ है, केक्स, ठीक है, देन यू हैव हियर इज अ गार्निश, देखो ये सब जो है काफ़ी सारे अच्छे डेजर्ट्स। मैं एक्चुअली इसी वे में पढ़ता हूँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं ऐसे स्टिकी नोट्स बना लेता हूँ और वहाँ पे स्टिक कर लेता हूँ कि यहाँ पे सब ब्रेड्स के बारे में है, ये सब उसके बारे में है, ब्ला 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 एंड ऑल, आई जस्ट सो इन्वेस्ट ऑन दिस बुक, ठीक है, लेट मी शो यू, ये कॉस्ट है इसका 2000 रुपीज़, इस बुक का कॉस्ट है 2000 रुपीज़, ठीक है, और ये कुछ इस वे में दिखते हैं, ठीक है, द कुक बुक्स, और ये है उनके एडिटर का नाम, क्लियर।
इस बुक को आप ले लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको. राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट बुक जो है वो है लैरोस गैस्ट्रोनॉमी फिश एंड सी फूड. ठीक है, ये इंडिविजुअल 3-4 सेट के साथ आता है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट यदि आपको फिश और सी फूड पसंद है कुक करना एंड यू वॉन्ट टू बी मास्टर इन सी फूड एंड फिश, देन मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीद लो. ठीक है, ये आपका बहुत काम का आएगा क्योंकि इसमें हर एक फिश के बारे में दिया हुआ है, किस वे में उसको पकाना है, किस वे में कुक करना है उसे, किस वे में हम उसे डील करें, किसको हम ग्रिल करें, किसको हम रॉ खाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अच्छे से, मतलब बहुत डिटेल में दिया हुआ है. और लारोस गैस्ट्रोनॉमी एक्चुअली एक प्रकार का बाइबल है, यू नो, लाइक टॉप शेफ्स जो हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सब बुक्स लिखते हैं, इसलिए ये बुक का जो प्राइस है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. सो यदि आपको लगता है कि आप मतलब फिश पे काम करना चाहते हैं या सी फूड पे, देन बाय दिस बुक. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लारोस गैस्ट्रोनॉमी फिश एंड सी फूड. ये पूरा एक सेट में आता है, मीट सी फूड इस वे में आपका आएगा. ठीक है, तो ये है फर्स्ट, लेट मी शो यू द नेक्स्ट. सो ये है नेक्स्ट जो है लारोस गैस्ट्रोनॉमी मीट पोल्ट्री एंड गेम को लेके. ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज बताया हुआ है कि आप किस वे में आप चीज़ों को डील करें, मीन्स किसे आप रोस्ट करें, किस चीज़ को आप बारबेक्यू में यूज़ करें, किस चीज़ को आप मतलब कैसे क्या, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको बताया हुआ है. ठीक है, किस वे में आप मीट को जूसी रखोगे, इसमें हर एक चीज़ मतलब पूरा इसका साइंस दिया हुआ है. मीट पोल्ट्री एंड गेम, इस बुक में एक्चुअली हर एक चीज़ को काफ़ी डिफाइन किया हुआ है, जैसे आपको ईजी होगा समझने में कि किस वे में हम मीट को कुक करें या फिर पोल्ट्री के साथ डील करें या फिर गेम के साथ डील करें. काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये सेट वाइज आता है पूरा. सो आपको यदि लगता है आपको मीट और फिश सेल्फिश आपको लगता है कि आपको ये मीट पोल्ट्री गेम समझना है और फिश को भी समझना है, देन ये पूरा एक सेट में आता है, आप खरीद सकते हैं. और ये आपका है लारोस गैस्ट्रोनॉमी. ठीक है, और मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ जब मैं कभी कुछ चीज़ें सीखता हूँ या बनाता हूँ या फिर कुछ समझना चाहता हूँ, इन डेप्थ जाना चाहता हूँ, हैज़ टू गो फॉर लारोस गैस्ट्रोनॉमी. ठीक है, बाकी बहुत सारे बुक्स हैं बट टॉप क्लास बुक्स बोलूँगा तो लारोस गैस्ट्रोनॉमी. ठीक है, ये इज दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ बाइबल. ठीक है, ऑफ मीट एंड फिश. This is the next. नेक्स्ट बुक जो है मेरे पास नेचुरल फार्मेसी. ये बुक जो है मैंने इंडियन क्यूजिन के लिए यूज़ किया हुआ था, राइट, नेचुरल फार्मेसी, क्योंकि इसमें जो है वो हर एक स्पाइसेस के बारे में बताया हुआ है, मीन्स कैसे कैसे स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं और किस वे में हम उसको यूज़ करें और क्या क्या स्पाइसेस किस वे में हमें हेल्थ से रिलेटेड काम करता है, मीन्स हेल्थ अच्छा रहे उस वे में हमें यूज़ करना है इन स्पाइसेस को. तो वो हर एक चीज़ यहाँ पे शेयर किया हुआ है. ये काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं जो काफ़ी कम लोग को पता है कि किस वे में हम नेचुरल पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो भी हैं, राइट, उसको हम किस वे में यूज़ करें. सो इसमें यहाँ पे हर एक रूट से लेके हर एक फ्रूट से लेके हर एक फ्लावर से लेके हर एक चीज़ इसमें यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ फॉर इंडियन क्यूजिन, जैसे कि कुछ मसाले वगैरह हो गए और कुछ मसाले इसमें से है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनका स्मेल. कुछ मसाले ही ढूंढ पाया हूँ मैं अभी तक, और बट अवेलेबल हर जगह में है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा उन चीज़ों को. ठीक है, कैसे उसका एसेंशियल ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में और हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि किसी का डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हर एक चीज़ के लिए दवाइयाँ के हिसाब से भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. सो यदि आप चाहते हैं कि कुछ नया रेसिपीज बनाएं, नया फ्लेवर्स लेके आए इंडियन क्यूजिन में और कुछ नया चीज़ें आप लोगों को बताएं, देन आई थिंक सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, और या फिर इस चीज़ को आप फॉलो करना स्टार्ट करें. ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा. Right, so this is, you can see here, Indian medicines. Right, so this is about the natural pharmacy. ऐसे books बहुत सारे आते हैं. ये जो book है ये मेरे पास, ये वाला book मैंने रखा हुआ है. ऐसे वाले books बहुत सारे आते हैं. You can buy natural pharmacy जिसमें लिखा रहेगा, you can buy that, right? You can see here, Encyclopedia Illustrated Guide to Medicines for Nature. Right, so I use for Indian cuisine. राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट. ये है हमारा नेक्स्ट बुक जो है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सेकेंड एडिशन, ऑक्सफोर्ड का है ये. इसमें काफ़ी सारे चीज़ें डिटेल में दिया हुआ है. ठीक है, जैसे कि आपको यदि आपके पास बहुत टाइम है, यदि कुछ न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आप डील करें हर एक चीज़ को लेके, इसमें दिया हुआ है. ठीक है, काफ़ी सारे चीज़ें दिया हुआ है. एक्चुअली फ्लेवर, यू कैन सी हियर, फ्लेवर के ऊपर दिया हुआ है, राइट, हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे. यदि आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप पढ़ें तो आप इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं. ये मैं पढ़ता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ इसको. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो, देखो ऐसा है कि हर बुक में इतने सारे नॉलेज है और हर बुक में एक अलग अलग वे में, क्योंकि देखो हर एक बुक जो होता है वो किसी ने तो बनाया है, राइट, और जिन्होंने भी बनाया हुआ है वो
उसका अपना माइंड को यूज करते हुए अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी चीजें उन्होंने डील किया हुआ लाइफ में, वो चीजें तो लिखते हैं ना यहाँ पे, मतलब अपना एक्सपीरियंस ही तो शो करते हैं इस बुक में, है ना। तो हर बुक में कुछ ना कुछ अलग होता है, सो इसलिए मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ब्रेड्स के बारे में बताता हूँ, राइट, इसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो हर एक चीज़ बताया हुआ कि किस वे में ये आपको ईजी डाइजेस्टिबल हो सकता है आपके फूड, उसके चीज़ें बताया हुआ है, ठीक है। वाइटामिन क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, लिपिड्स क्या होता है, वाटर क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है इस बुक्स में। तो ये एक बेसिक बुक है, मतलब उतना हाई प्रोफेशनल बुक भी नहीं है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ सको, ये वो बुक है, ठीक है। इफ़ यू लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक हर एक चीज डिटेल में, देन यू कैन गो थ्रू दिस। दिस इज द नेक्स्ट नेक्स्ट बुक जो बताने जा रहा हूँ वो है सबके पप्पा, ठीक है। क्योंकि वो बुक जिसने पढ़ लिया, मतलब पूरा ख़त्म कर लिया, तो समझ लो कि वो हर एक चीज़ बना सकता है और हर एक चीज़ में वो मास्टर होगा, ठीक है। वैसे हो नहीं सकता कोई वो बुक, लेकिन हर कोई शेफ, एग्जैक्टली शेफ हुआ, प्रोफेशनल शेफ हुआ, जितने भी है, वो हमेशा वो बुक को रखते हैं अपने पास। वो है द लारूस गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये हार्ड कवर है, ये ऐसे इसका बुक निकलेगा। जब मैं कॉलेज में था, इस बुक को ख़रीदा था मैंने, और इसका रेट था कुछ 8,000 रुपीज़, 8,000-9,000 का कॉस्ट में आता है। आजकल इसका PDF भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सिर्फ यही बुक है जो मैंने PDF में नहीं और इसको हार्ड कॉपी के हिसाब से लिया हुआ, क्योंकि मुझे लारूस गैस्ट्रोनॉमी को ध्यान से पढ़ना था, समझना था उसका हर एक चीज़, इसलिए मैंने PDF की जगह इसको लिया हुआ है। और हाँ, बता देता हूँ मैं आपको कि मेरा लास्ट बुक है ये, और बाकी जितने भी बुक्स है वो सब PDF है, ठीक है। क्योंकि ये बुक इतना भारी और इतना मोटा बुक है ये, कि मैं हर टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसके बाद जितने भी प्रोफेशनल बुक्स लिया हुआ, PDF लिया हुआ, जैसे कि ईजी टू एक्सेस हो मेरे लिए, ठीक है। ये जो है, ये है आपका बाइबल, कुकिंग का बाइबल है ये, और हर एक चीज़ को इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इस बुक को हर कोई शेफ ने रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, और ये बुक इतना बिजी नहीं है कि जो सब लोग हर एक चीज़ को पढ़ लें। इसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताया हुआ है, और अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसमें बताया हुआ है, मतलब जी के थ्रू, मतलब जी में जितना चीज़ें कवर होता है, इसमें पूरा हर एक चीज़ कवर कर देता है इसमें आपका, ठीक है। कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सा क्या, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन और डिटेल में बताया हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बुक जो मैं फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को, एनसाइक्लोपीडिया मीन्स लारूस गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो ये बुक यदि आपको कभी मिले, कभी चांस मिले कि आप पैसा सेविंग वगैरह कर रहे हो, तो ये बुक को आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है, आपको बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए। ये यू कैन सी हियर हाफ थिक, ये सब मैं ऐसे यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा के पढ़ते रहता हूँ, मतलब डिपेंड कि कौन सा मैं पहले पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं कि पेज बाय पेज पढ़ते रहता हूँ, इस लाइक कि जो पसंद आया मुझे पहले उसको पढ़ूंगा, तो हाँ ठीक है, मुझे ब्रेड्स पढ़ना है तो मैं पहले ब्रेड्स को खोलूंगा यहाँ पे, और मैं फिर ब्रेड्स को ही पढ़ूंगा सिर्फ, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रेड्स लिखा हुआ है, सी ये पूरे ब्रेड्स के हैं फिर यहाँ पे, तो इस वे में मुझे जो इंटरेस्ट लगता है मैं उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ता हूँ। तो आप भी इस वे में पढ़ सकते हैं टॉपिक हिसाब से, तो आपको भी इजी होगा बुक क्लियर करने में, मीन्स पूरा ख़त्म करने में बुक को, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी तो आप पढ़ सकते हैं ना। जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे उसी को आप फोकस करते हुए इस बुक्स को पढ़ सकते हो। सो ये था मेरा लास्ट हार्ड कॉपी, इसके बाद जो दिखाऊंगा मैं आपको वो रहेगा हमारा सॉफ्ट कॉपी, राइट, क्योंकि वो प्रोफेशनल बुक्स है, तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल बुक्स कितने मोटे और थिक होते हैं, और कवर करने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है इतने भारी, आप लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इसीलिए बाकी सब चीज़ें जो है मैं PDF में खरीदता हूँ अब। तो ये था लारूस गैस्ट्रोनॉमी, लेट्स फिगर आउट नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट बुक्स विच आर इन PDF। सो नाउ हियर आई एम गोना शो यू ऑल द PDF दैट व्हाट आर द बुक्स आई हैव विद मी, सो यू कैन इजीली गो थ्रू like this book covers and you can buy from Amazon or Flipkart. These books are like pretty professional. So, जो भी books अभी दिखाने वाला आपको, ये सब जितने भी हैं सब मेरे PDF है, ये सब PDF है जिसको मैंने खरीदा हुआ है, right? So, आपके साथ share करूँगा, आप इसे वो easily buy कर सकते हैं Amazon or Flipkart से, right? So, let's figure out the PDF books. So, first one we have here is a flour, water, salt. ये जो है, ये बहुत famous है, like sourdoughs and all, if you really want to make sourdough breads and all, in a perfect manner, then this is the best, right? If you're a baker, then I think so you must have this. The element of pizza, if you want to make a great pizza, like if pizza banana chahte hain, to ye book bahut acha hai, right? These are books like all are the best. That's the reason why I bought it, because this is very expensive.
ये सब जितने भी बुक्स है काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसलिए मैंने इसको खरीदा हुआ है पीडीएफ में, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। आपको दिखाते जाऊंगा एक 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 बुक्स, यू जस्ट फिगर आउट एंड इफ यू थिंक कि आपको ये बुक खरीदना चाहिए यू कैन बाय। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइसेस, दिस इज अबाउट द सूविड एट होम, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लाइक हिस्ट्री ऑफ अ फूड इन इंडिया, दिस इज रियली अ गुड बुक, माई पेरिस किचन। और ये है इंडियन एक्सेंट जो दिल्ली में है, राइट, इश मल्होत्रा, लाइक टॉप इंडियन क्यूजींस, दिस इज ऑल्सो लाइक एन अ फाइन डाइनिंग, हियर द स्क्वायर, द कुक बुक, दिस इज द एस्कोफिया, राइट, द गाइड ऑफ मॉडर्न कुकरी ऑफ एस्कोफिया। जिस वे में मैंने आपको फर्स्ट वाला बुक दिखाया था, राइट, अ फ्लेवर वाला, वैसे ये है एक फ्लेवर मैट्रिक्स जो अभी रिसेंट बुक है। आप इसको तो मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है फ्लेवर प्रोफाइल जानने के लिए, राइट। इट विल जस्ट हेल्प यू टू पेयरिंग, कैन सी हियर पेयरिंग कॉमन इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिशेस। ये आपका कॉम्पिटिशन में काम आएगा ये बुक, ठीक है। और यहाँ पे यू कैन सी हियर एडवांस ब्रेड एंड पेस्ट्री, दिस इज ऑल्सो अ लाइक प्रोफेशनल बुक व्हेन कम्स टू अ बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी, और यू कैन सी अ लैमिनेशन हियर, लारूस ब्रेड, जिस वे में आपको दिखाया था गैस्ट्रोनॉमी, वैसे इस वे में है एक लारूस ब्रेड, देन अ बेकिंग एंड पेस्ट्री, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी एट होम, दिस इज अगेन सेम थिंग, अगेन सेम, हियर द प्रोफेशनल शेफ, ये है फ्रेंच पैटिसरी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बुक्स जो है चॉकलेट मीन्स बेकिंग कन्फेक्शनरी को लेके, राइट, और थोड़े बहुत ब्रेड्स, और यू कैन से लाइक अ प्रीटी मच ऑफ मिक्स, ठीक है, कलिनरी को लेके। सो हियर दिस इज फॉर द चॉकलेट्स कुक बुक, दिस बुक इज रियली ग्रेट, सॉल्ट फैट एसन एंड हीट, ठीक है, दिस इज इनोवेशन ऑफ हर फ्लेवर एंड टेक्सचर, दिस इज मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, सेम बुक अगेन, नो बेकिंग अ टेस्ट बुक, बेकिंग ऑन पेस्ट्री एंड फंडामेंटल्स, या दिस इज सो गुड, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट बुक विच इज ऑन कुकिंग फंडामेंटल्स, एंड दिस इज ऑफ द हेरोल्ड मैकजी, फूड एंड बेसिक कुकिंग, दिस इज ऑल अबाउट द साइंस, एंड हियर वी हैव अ प्रोफेशनल बेकिंग, दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट प्रोफेशनल बेकिंग, ओके, दिस इज अबाउट अगेन द सेम प्रोफेशनल बेकिंग, प्रोफेशनल बेकिंग, डिफरेंट डिफरेंट एडिशन, एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रोफेशनल कुकिंग बुक दैट एवरीबॉडी यूज व्हेन दे आर इन होटल मैनेजमेंट, ओके, अगेन सेम हियर एडिशन, दिस इज अ स्वीट, दिस इज अबाउट अ फोर आर शेफ, हियर वी गो द बेकिंग बाइबल, ये काफ़ी टॉप क्लास बुक है ये, द बेकिंग बाइबल, राइट, हियर वी गो द बुक ऑफ ईल्स, देन द ब्रेड बाइबल, इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ ब्रेड, इफ यू लव मेकिंग ब्रेड आई थिंक सो यू शुड बाय, देन हियर वी गो द चॉकलेट बाइबल, सो मच इन्फॉर्मेशन इज देयर इन दिस बुक, द चॉकलेट बाइबल, देन द प्रोफेशनल शेफ, देन हियर वी गो द एलिमेंट्स ऑफ डेजर्ट्स, टॉप प्रोफेशनल शेफ्स जनरली यूज दैट बुक, दिस इज द एसेंशियल किचन स्टफ फॉर द बेकरी, The Flavor Bible, The Flavor Equation. Here, if you really want to make a delicious Italian, you can make out of this book. Muffins, different type of muffins, The Nourished Kitchen, The Pastry Chef. Then this is also a good book, Food and Kitchen. This will help you to understand every single food, like the fundamental of every single ingredient of this. Okay, you can buy this book, worth it. Then this is the French art and pastry. Then about the meat. Here we go, the chocolate and confectionery. If you want to make a bonbon and if you want to work with the chocolate, then this is the best book. A Jewish baker. Then here we go, the baked elements. Baking by hand, and this is really a nice one, which is about the baking sourdough breads, and I'm going to show you another one here, Savoy, right, this is the bonbons, and here we go, last not the least, the slow cook, soup, curries, gambo, chili, everything there in this, okay. So ये सब जितने भी बुक्स हैं एक्चुअली मैंने सब खरीद लिया हुआ है, मतलब पहले से खरीदा हुआ है सब बुक्स को मैंने पीडीएफ में, और यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ, ये एक है बुक शुगर, सो ये एक और बुक है यहाँ पे जो है शुगर एंड स्वीट, ठीक है, कुछ बुक्स है जो साइट में रह गया है शायद, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, समथिंग इज देयर,
नो ऑल गुड। सो ये सब बुक्स थे जो मैंने पीडीएफ में लिया हुआ है, राइट? सो ऐसा है कि आपको लगता है कि आपके लिए ये वर्थ है, देन यू जस्ट बाय इट, बिकॉज ये हर एक बुक में इतना नॉलेज है और सब कलिनरी बेकिंग साइंस को लेके ही बना हुआ है, राइट? सो आपको जो अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं इसमें। आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा बुक आपके लिए काम आएगा, राइट? बाकी कोई भी बुक ले लीजिए, कोई बुक ऐसा नहीं होगा जो खराब होगा या फिर लगेगा कि यार व्हाई आई बॉट दिस, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? हर एक बुक आपको बहुत नॉलेज देने वाला है इसमें। और जितने भी बाइबल्स लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा उस बुक्स को, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होता है, क्योंकि उसमें जैसे कि लारूस गैस्ट्रोनॉमी का बाइबल दिखाया था मैंने आपको, राइट, द ब्लैक वाला बड़ा सा बुक, बस उसी तरह, ठीक है? ये हर एक चीज़ लाइक दिस इज़ द फ्लेवर बाइबल, ऐसा करके बहुत सारे बाइबल आपको दिखा चुका हूँ मैं इसमें ऑलरेडी पीडीएफ में, राइट? पॉसिबल गो फॉर द बाइबल, और इसको होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं शायद गूगल में। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, गूगल वगैरह में आप देख लीजिएगा। कुछ कुछ बुक है जो ऑलरेडी लाइक मिल जाते हैं इजीली गूगल में, लाइक डाउनलोड पीडीएफ, और यदि नहीं मिला तो फिर आप उसको पीडीएफ में खरीद सकते हैं, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो काफ़ी वर्थ होगा आपके लिए, और जितने भी मैंने बुक्स दिखाए हैं ये सब बुक्स आपको हेल्प करेंगे, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा आपको इस बुक से एक्चुअली। सो जस्ट गो थ्रू एंड येप जस्ट गो थ्रू दिस ऑल थिंग्स, राइट? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, बाय बाय।